खरगोन जिले के झिरनिया थाना क्षेत्र के अंबा डोचर और खुशियाला गांव के बीच खेत में टाइगर दिखने से हड़कंप मच गया। टाइगर की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर वन और पुलिस विभाग के लोग मौके पर पहुंच गए। प्रयास किए जा रहे हैं कि टाइगर वापस लौट जाए। बताया जा रहा है कि पानी की तलाश में महाराष्ट्र सेंचुरी के जंगल से टाइगर भटक कर पहुंचा है। महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके से टाइगर जिले की सीमा में आ गया। खरगोन के DFO प्रशांत सिंह ने मोबाइल पर टाइगर के होने की पुष्टि की है। मोबाइल पर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ के साथ झिरनिया तहसीलदार और वन और पुलिस का अमला मौजूद है। इंदौर से राला मंडल की रेस्क्यू टीम को भी वन विभाग ने सूचना दे दी है। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र के सेंचुरी से पहुंचा टाइगर वापस लौट जाएगा। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। तुमने जी अभी शेर जैसे तुम्हारा पीछा लपक्यो? हां तो मना तो करियो पर फेंकी दियो। अच्छा तुम वो खा? अच्छा 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 मामा सही मां शेर का फेंका मना पहलो रात ही भाग जाओ एक भांजा। अरे मना शेर का फेंक्यो फिर भागो था भी ना मका मालूम थे कि फोन है। हां हां पण का मतलब गई मतलब 15 तक नहीं छोड़ी मका। आओ ये संतोष भाई गौला के हैं। अभी इनका शेर से सामना हुआ था। खेत में थे आप? हां। अच्छा क्या गेहूँ कटाई चल रही है? हाँ। इनको यहाँ कान के पीछे पंजा मारा है, ब्लड बहुत ज़्यादा वहाँ है। अभी हमारे पाराथर सर ने इनका प्राथमिक उपचार कर दिया है और इनको खंडवा रेफर किया जा रहा है। अभी संतोष भैया सुरक्षित हैं, कोई सभी कोई भी चिंता का विषय नहीं है। बहुत बढ़िया उनको अब अच्छा लग रहा है। उनका प्राथमिक उपचार हो गया और इन्होंने शेर से सामना करा। चलो आ गई गाड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।